अहम सुनवाई पर नजर हमारी बनी हुई है। महाराष्ट्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 1 अगस्त को, अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी गई है। 27 जुलाई तक जवाब दाखिल करने के लिए इस बाबत कहा भी गया है। सुप्रीम कोर्ट ने लिखित जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई, तो महाराष्ट्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 1 अगस्त को अब होने वाली है। कोर्ट ने सभी पक्षों को अगले बुधवार तक लिखित में जवाब दाखिल करने का आदेश भी दे दिया है। प्रशांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए, एहतेशाम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है। एहतेशाम, क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया आज रही और क्या कुछ अब भविष्य में ये तस्वीर नजर आएगी? देखिए, आज की कार्रवाई पूरी हो गई है और कोर्ट ने सिर्फ इश्यूज फ्रेम किए हैं कि अब किन किन मुद्दों पर होगी। इस पर एक लिख सभी पक्षों से कहा है कि वो आपस बैठकर ये तय किन मुद्दों पर बहस होनी है, उसके बाद 1 अगस्त को इस पर पूरे मामले में ये भी इस बात पर विचार कर रहे हैं। लौटेंगे आपके पास एहतेशाम एक बार फिर से, ये जानकारी पहुंचा दे दर्शकों तक। 27 जुलाई तक सारे जवाब लिखित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल करने के लिए कहा है। जानकारी पहुंचा रहे हैं महाराष्ट्र से जुड़ी हुई, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। नजर बनी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई, जहां पर 1 अगस्त को अब अगली तारीख यहां पर तय की गई है, यानी कि कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई अब 1 अगस्त को भी नजर आएगी। सभी पक्ष से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया है, लिखित तौर पर ये दाखिल करना होगा, जिसकी तारीख भी यहां पर तय कर दी गई है। तो महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में बड़ा उबाल और बड़ा फेरबदल देखने को मिला, उसके बाद जानकारी आप तक पहुंचा दे कि 1 अगस्त को अब अगली सुनवाई यहां पर तय की गई है, यानी कि जो आगे बढ़ते हुए कानूनी प्रक्रिया बढ़ रही है, सभी पक्ष यहां पर हलफनामा दाखिल करते हुए नजर आएंगे। यह दाखिल करने के लिए कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें 27 जुलाई की तारीख यहां पर तय कर दी गई है। तो देखिए, तारीख सिलसिलेवार तरीके से यहां पर अब सामने आ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई पर नजर टिकी हुई थी कि क्या कुछ सुनवाई होती है। हालांकि अंदाजा यही लगाया जा रहा है था कि अगली तारीख जरूर अब हलफनामा दाखिल करने के लिए मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि यही एक बीच का रास्ता यहां पर दिखाई दे रहा था। 27 जुलाई यह तारीख तय कर दी गई है, 1 अगस्त को अब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की एक बार फिर से तस्वीर नजर आएगी।